जैसा कि आप सबको विदित है, हम सब लोग भगवान के एक महान भक्त, बहुत बड़ी विभूति के आश्रय में हैं। महाराष्ट्र इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर महान संत पुरुषों की भूमि रही है। महान शब्द लगता है जब कोई महा के साथ जुड़ जाए, चाहे वो महाप्रसाद हो, वो महापुरुष हो, महत स्थान हो, महत व्यक्ति, महत समय, जो कुछ भी महत, भगवान से जुड़ने के बाद वो महा हो जाता है। तो प्रारंभ काल से ही ये महाराष्ट्र संतों की भूमि रही है। बहुत अद्भुत अद्भुत संत पुरुष ही नहीं, माताएं भी यहाँ पर भगवान से प्रेम किया है और भगवान से प्रेम करने की कला की प्रेरणा भी उनके जीवन से प्राप्त होती है। तो आइए, अंतिम में लाल गोविंद प्रभु ने कहा कि प्रभु जी भक्ति का पोषण होना चाहिए। संयोग से मैं भागवत ऐसे ही कभी कभी, आप सब लोगों ने रामायण रामचरितमानस देखा होगा, उसमें परम सिद्ध तुलसीदास जी के द्वारा राम सलाका एक होता है, तो उसमें निकालते हैं ये कौन कार्य सिद्ध होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे ही निकाला तो ये प्रसंग आ गया आपके सामने। भागवत तो सब जगह से भागवत है, अमृत है। प्रसंग जो निकला है वो छठे स्कंध का है। छठा स्कंध श्रीमद् भागवत का पोषण तत्व है, पोषण ही है ना। सर्गो विसर्गस्थ स्थान पोषण। छठा स्कंद, छठवां स्कंद जो है उसमें भगवान किस तरह से अपने भक्तों का और भक्तों के द्वारा की हुई भक्ति का पोषण करते हैं, इसका वर्णन है। और इस प्रसंग के माध्यम से सर्वप्रथम श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को अजामिल की कथा श्रवण कराई। भगवान के नाम की अद्भुत महिमा है। कृष्ण का नाम कृष्ण के समान है, भगवान में और उनके नाम में कोई अंतर, कोई भेद नहीं है। अभिनत्वात् नाम नाम भी, नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है। और आप जिस महाराष्ट्र के इस अद्भुत दिव्य क्षेत्र में हैं, यहाँ पर भी इसी भगवान के नाम का ही संकीर्तन होता है। ठीक महाप्रभु के नाम से, परंपरा से ठीक मिलता जुलता ये संप्रदाय है। लगभग आपने मंदिर में देखा होगा, समाधि में नृत्य करने की भी जो परंपरा है, पैर इधर करना और इधर करना, नृत्य करना, करताल बजाना, मृदंग बजाना, और जो मंत्र है वह भी लगभग एक है। इनका मंत्र क्या है? जय जय राम कृष्ण हरि। और अपने महामंत्र में भी केवल ये तीन नाम ही है, हरे कृष्ण और राम। तो ऐसा कहते हैं कुछ भक्तों की ऐसी मान्यता है और सत्य मान्यता है कि जिस समय महाप्रभु का अवतार हुआ उस समय, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन इस परंपरा में किसी ने दीक्षा लिया वारकरी संप्रदाय में, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा का परिणाम है कि नाम संकीर्तन और इस तरह से राम कृष्ण हरि संप्रदाय, भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे। कितना मंगलमय नाम है। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि कृष्ण जब आपके ये दो नाम दो अक्षर जब हमारे जिह्वा पर नृत्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस दो नामों के आस्वादन के लिए करोड़ों करोड़ों मुख हो तो कहीं थोड़ा सा आस्वादन मिल जाए। और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह करती है, नो जाने जनिता कियद विरमृते कृष्णेति वर्णद्वयी। आज तक पता नहीं चला कि कितना अमृत इस दो अक्षर में भरा है आपने। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता। आपने अपनी पूरी शक्ति नामों में रख दी है, भगवान में जितनी शक्ति है उतना ही शक्ति भगवान के नाम में है, और भगवान में जितनी मधुरता है सरसता है वह सारा माधुर्य भी अमृत तत्व भी भगवान ने अपने नाम में रखा है। और यही कारण है कि जिस भक्त को इसमें रस मिलता है ना, वो एक बार लग गई तो लग गई सदा के लिए, छूटे ना छुटाए लगन हरि नाम की। एक बार जिसको इस हरिनाम रस का चस्का लगा तो संसार छूट जाए, परंतु प्रहलाद जी जैसा हरिनाम नहीं छूटता है। महाप्रभु ये शिक्षाष्टक में भक्तों के भाव में ये प्रार्थना करते हैं, ऐसा कब आएगा है? तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ऐसा जीवन ऐसा सौभाग्य हमारे जीवन में किस दिन आएगा जब हमारे आपका मधुर नाम मेरे ओठों से निकले और मेरे आंखों में आपके प्रेम के दो अश्रु हों। नयनम गलत, गलत का अर्थ होता है नाम स्मरण करते ही बहने लगे, ऐसा दिन कदा भविष्यति। ये प्रश्न करना चाहिए जो भक्त हैं उनके जीवन में, एक हृदय से प्रश्न निकलना चाहिए, हमारे दिन जीवन में ये समय कब आए। हंस तो हम बहुत लेते हैं, परंतु कृष्ण के लिए हंसना और रोना दोनों में मजा है कि नहीं। हंसने में भी मजा है और रोने में भी मजा है। संसार हमें हंसने में भी सजा है और रोना तो एक सजा है, परंतु भगवान के सामने उनके नाम में रोने में भी जो सुख है। मैं बार बार कह दिया करता हूँ, एक भक्त का उद्गार है, अपने गौड़ीय परंपरा में ही हुए हैं, उन्होंने एक पद्य लिखा है। तो महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि कहाँ से किस सौभाग्य के कारण हम आपके साथ जुड़ गए, महावदान्य की परंपरा में कहां से मेरा भाग्य जगा। परम धन प्रेम संपत का खजाना पा गए कैसे, कैसे आपके परंपरा में आकर के आप सीधे प्रेम दान करते हैं जीवों को, उस परंपरा में मेरा कैसे आना होगा। तो वो कहते हैं भक्त कि जब प्रभु मुझे याद है, जब मैं संसार में था उस समय भी हंसता था, कभी कभी खुश होता था, परंतु उस हंसने में कितना भारी दुख था आज याद आता है। संसार के लोग हंसते हैं, उसमें भी उस हंसी में भी दुख छिपा रहता है। उसको भक्त याद करता है, कहता है कि जब हंसते थे तभी भी थे दुखी, दुनिया में कितने हम, और यहाँ रोने में हंसने से बड़ा सुख पा गए कैसे, न जाने कौन से भाग्य से आपके शरण में आ गए। तो नाम में अद्भुत रस है, और इस महाराष्ट्र के संतों ने भगवान के नाम की अद्भुत रस का और परंपरा का स्थापना किया है। आज तक राम कृष्ण हरि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, ये महामंत्र है।
और सुबह में आपने सुना लाल गोविंद प्रभु ने कहा यहाँ का भैंसा भी, भैंसे के मुख से भी मंत्र नहीं वेद का मंत्र निकलता है। कितना पवित्र क्षेत्र है, और एक संत की कृपा हो जाए तो एक जानवर भी देवता से श्रेष्ठ हो जाता है। परंतु यदि भक्त की कृपा नहीं है और उसके जीवन में भक्ति नहीं है तो इंद्र भी कीड़े के समान होता है। इंद्र तपि कीटायते, भक्ति की बहुत बड़ी महिमा है। भक्ति माने वही जो हम लोग कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम, भगवान के विषय में सुन रहे हैं, सुख है ये भक्ति है। कीर्तन करते हैं, अभी प्रसाद खाने जाएंगे, ये भक्ति है। और मंगला आरती के लिए सो जाएंगे तो वो सोना भी भक्ति है। एक भक्त ने प्रश्न किया, भगवान कहते हैं 24 आवर्स मेरा भजन करो, ये भक्त 24 घंटा भजन करता है तो उस देखा जाता है कि 6 घंटा सो गया, सोता है ना, तो 6 घंटा तो इंटरवल हो गया ना, भजन का अंतराय हो गया, छूट गया। बोले नहीं, सुबह जग कर भजन करने के लिए सो रहा है समय से, तो उसका सोना भी भजन है, क्योंकि वो सो रहा है मंगला आरती के लिए, भगवान के लिए, इसलिए सोना भी 24 आवर्स भजन में। सततम कीर्तयन्तो माम, हरे कृष्णा 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 बंधु आइए, भागवत सामने है, दो चार श्लोक देख लेते हैं। बहुत पवित्र क्षेत्र में है और आज समय भी आप सबको मालूम है, विशेष समय का प्रथम दिवस है, विशेष मास है, विशेष समय है और प्रथम दिवस है। कौन सा मास है ये? अधिक मास नहीं, हाँ, पुरुषोत्तम का अर्थ होता है, भगवान गीता में पुरुषोत्तम शब्द का कहते हैं, अर्थ करते हैं, जो क्षर और अक्षर दोनों से अतीत हो, यस्मात् क्षरमतीतो हम, तो व्यथित पुरुषोत्तम, उसको पुरुषोत्तम, जो क्षर अर्थात जो नश्वर है और अनश्वर जो है, जो नहीं नष्ट होने वाला, इन दोनों से जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसको पुरुषोत्तम कहते। स्पेशल भगवान ने ये महीना केवल भजन के लिए दिया है, और ऐसा हमने सुना है कि ये महीना स्पेशल बनाया गया किसके लिए, भक्त प्रहलाद का द्रोही उसके पिता हिरण्यकशिपु के वध करने के लिए। वरदान मांगा था, कंडीशन था उसका, 12 महीने के अंदर किसी महीने में हमारी मृत्यु ना हो। भगवान ने कहा घबरा, ब्रह्मा जी ने कहा घबरा मत, तुम्हारे लिए भगवान एक्स्ट्रा एक महीना स्पेशल बनाएंगे। तेरहवें महीने में स्पेशल विशेष महत्व है, हैं? अभी आप ब्रज में जाओगे, गिरिराज जी की परिक्रमा 24 घंटे दिन रात लगातार पुरुषोत्तम मास में, जगह जगह रास लीला भंडारा, प्रवचन, भागवत, जितना सत्कर्म हो सकता है, भक्ति हो सकता है, अधिक से अधिक लोग इस मास में अनुष्ठान करेंगे। तो हम सब लोग भी धाम में हैं, प्रथम मास, पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिवस है, प्रारंभ भला है तो महीने भर भला होगा, जीवन भला होगा, और भगवान इसी तरह से भक्तों के बीच में भक्ति का आनंद लेते हुए पूरा महीना नहीं पूरा जीवन बिताए, ये मेरी शुभकामना है। तो आइए भक्ति का पोषण करते हुए, भक्ति के सबसे बड़े आचार्य अजामिल की कथा के बाद सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से दक्ष की कथा प्रारंभ करते हैं। घबराना मत,
हम ज़्यादा समय लेंगे नहीं आपका, मुझे ध्यान है क्योंकि मैं प्रसाद पा चुका हूँ तो मैं भूलूंगा नहीं कि आपको भी प्रसाद लेना है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण और कृष्ण प्रसाद में भी कोई अंतर नहीं है। तो प्रवचन हो चाहे प्रसाद हो, दोनों में प्र लगा है, दोनों प्रकृष्ट है, दोनों श्रेष्ठ है, दोनों ज्येष्ठ है। इसलिए कुछ भी हो, चाहे प्रवचन हो चाहे प्रसाद हो, तो एक ही बात है, ठीक है। आइए कथा थोड़ा सा लेते हैं, दक्ष की कथा। पूर्व जन्म में, प्रथम जन्म में दक्ष ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना। जिस समय ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, तृतीय स्कंध में, चतुर्थ द्वितीय स्कंध में वर्णन है, सृष्टि नहीं कर पा रहे थे, तो मनुशत्रुपा इत्यादि 10 प्रकार की सृष्टि करने के बाद ब्रह्मा जी ने एक प्रजापति बनाया, और प्रजापतियों में जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति था वो दक्ष था। एक बार भगवान शिव का अपमान किया, और अपमान करने के लिए यज्ञ किया, वो सब कथा है, बहुत सुंदर। सती एक यज्ञ कर रहा था, भगवान शिव से प्रार्थना किया सती ने, अंत में उस यज्ञ में हरिद्वार में जाकर के शरीर त्याग किया, और बाद में भगवान शिव ने उस यज्ञ का नाश किया और उसमें अपने ही शक्ति और स्वरूप वीरभद्र को आदेश दिया कि यजमान जो दक्ष है उसका गला काट दो, और जो उसके जो मुख्य पुरोहित है यज्ञ संरक्षक भृगुजी महाराज, उनकी दाढ़ी नोच लो, भग नामक देवता का आंख फोड़ दो, और मित्र नामक देवता का याद नहीं है, पूषा नाम के देवता का दांत तोड़ डालो, पूषा नाम के देवता का दांत। चार तो हिट लिस्ट में दिया था, इन चारों को मारना जाकर सबसे पहले। तो वीरभद्र जी ने जाकर के वैसा किया, और अंत में दक्ष ने प्रार्थना की, भगवान ब्रह्मा और विष्णु भगवान शिव जी के पास गए कि यज्ञ होने दीजिए। यज्ञ तो हुआ, लेकिन दक्ष को बड़ी भारी ग्लानी हुई, शरीर छोड़ दिया। बंधुओं, अगले रूप में वही दक्ष प्रचेतस प्राचीन वरही के पुत्र का पुत्र हुआ। प्राचीन वरही के पुत्र हुए प्रचेता, और प्रचेता का पुत्र होने के कारण उनको प्राचेतस दक्ष कहते हैं। इस जीवन में भी इसका नाम दक्ष पड़ा। दक्ष का अर्थ होता है पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधन। जो पुत्र इत्यादि पैदा करने में बहुत दक्ष हो, एक्सपर्ट हो, परंतु मुक्ति साधन करने में, संसार से मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधन करने में जो अदक्ष हो उसको दक्ष कहते हैं। प्रभुपाद जी ने इस समय लिखा है एक जगह कि सब लोग अपने आप में एक्सपर्ट बनते हैं, दक्ष है? ऐसा गर्व महसूस करते हैं, मैं दक्ष हूं। तो दक्ष की पत्नी, उसका नाम है असिकनी, हाँ सब थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा नाम है, असिकनी है ना, पांचजनी, पंचजनी के गर्भ से दक्ष ने 10,000 पुत्र पैदा किया। कितना पुत्र? और 10,000 पुत्रों का एक ही नाम हुआ। भागवत में अद्भुत अद्भुत कथा है। पुत्र कितने हैं? 10,000, और 10,000 पुत्रों का नाम एक है, उनका नाम था हरियश्व। क्या नाम? 10,000 पुत्र हैं, एक नाम है हरियश्व। और जब प्रकट हुए, पैदा हुए पुत्र, तो दक्ष ने कहा, बेटा जब तक तुम दक्ष, भले दक्ष था परंतु ज्ञानी था। दक्ष ने कहा, बेटा जब तक
एक बालक शुद्ध ब्रह्मचारी नहीं बन सकता जब तक उसकी नींव, उसका फाउंडेशन मजबूत नहीं हो सकता, तब तक एक सफल गृहस्थ नहीं हो सकता है। और जब सफल गृहस्थ नहीं होगा तो सफल वानप्रस्थ नहीं होगा, और सफल वानप्रस्थ नहीं होगा तो सफल सन्यासी नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मचर्य जीवन जो है सबके लिए एक भजन का एक बहुत बड़ा फाउंडेशन है, नींव है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन जिसने जीवन में किया वो एक सफल गृहस्थ हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य और साथ साथ तप, पिता पहले शिक्षा देते थे तपो दिव्यम पुत्र का, भगवान ऋषभ देव कहते हैं बेटा ये नायम देहो देह भाजा मंडलोके, और सब शरीर तो विषय भोग के लिए बना है, हैं? उसमें विषय भोग के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, वही होगा, परंतु अयम देह न, ये जो शरीर है ना स्पेशल, ये इसके लिए नहीं मिला है। तपो दिव्यम, दिव्य तप करो। दिव्य तप का अर्थ होता है भगवत प्राप्ति के लिए कष्ट उठाओ, इसके लिए मिला है। तो दिव्य तप करो, एक पिता शिक्षा दे रहा है अपने पुत्र को, कष्ट उठाओ बेटा, क्योंकि नो पेन, जानते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है नो पेन, बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। भोग में और भगवान की प्राप्ति में बहुत का अंतर है, दो में एक ही मिल सकता है, भोग लो नहीं तो भगवान को ले लो। क्या चाहिए चुनो, वरण करो, भोग चाहिए कि भगवान चाहिए। तो दक्ष भेजा, 10,000 पुत्रों को भेजा, नारायण सरोवर पर भेजा पूर्व दिशा में, और भेजकर कहा जाकर वहां कठोर तपस्या करो, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, और इस तरह से पिता की आज्ञा प्राप्त करके कि जाओ पहले तप करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, बाद में तुम लोग सृष्टि करना, गृहस्थ बनना, पुत्र पैदा करना है। और पिता का आज्ञा पालन करके बच्चे चले गए, सृष्टि करने के लिए तप करने गए और ब्रह्मचर्य का पालन करने तो गए। अपने संप्रदाय में हैं एक आचार्य हैं, नाम मालूम है आपको, नारम ददाती हैं, सब जगह श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि हरे कृष्णा कृष्णा कीर्तन गाते ही रहते हैं, चाहे असुरों के बीच में जाएं तो भी कीर्तन, देवताओं के बीच में जाएं तो भी कीर्तन। और ये ऐसे ऋषि हैं कि असुर देवता जितना पूजा करते हैं नारद जी का, असुर भी उतना ही पूजा करते हैं, दोनों के द्वारा वंद्य हैं, पूज्य हैं, है? अभिनंदन मिलता है तो सब। नारद जी ने देखा प्रीचिंग करने का सबसे बेस्ट प्लेस है, कहाँ से एक एक करके बस में चढ़ाएंगे और टैक्स लेंगे और फीस लेंगे, बेचारे बिना गाड़ी भाड़ा के एक जगह पहुँचे हैं, तो वहीं पर चलना चाहिए। और उनका वर्णन करते हुए सुखदेव जी क्या कहते हैं, अपृथक धर्म शीलास्ते, 10,000 पुत्र थे परंतु 10,000 पुत्र एक जैसा स्वरूप था और एक जैसा रूप था, एक जैसा रंग था और एक ही जैसा सबका स्वभाव था। 10,000 में एक का स्वभाव भी टेढ़ा मेढ़ा आड़ा टेढ़ा नहीं था, एक जैसा स्वभाव,
एक लक्ष्य है, एक स्वभाव है, एक कार्य है, सब कुछ एक था। नारद जी ने देखा कि ये सबका लक्ष्य एक है, स्वभाव एक है, धर्म एक है, इसलिए यदि एक बात भी समझ में आ गई तो ये भक्त हो जाएंगे। हम लोगों के जीवन में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में इतने इतने सब पृथक पृथक अलग अलग चीज घुस गए हैं ना, एक निकालते हैं तब तक दूसरा जम जाता है, दूसरा निकालते। ये अपृथक धर्म शीलास्ते नारद जी ने देखा, एक ही लक्ष्य है, एक ही स्वभाव है, एक ही रंग के हैं, एक ही पिता के पुत्र हैं, इसलिए संभव है कि एक बात भी समझ में आ गई तो ये समझ जाएंगे। इसलिए बंधुओं केवल दो श्लोक नारद जी ने कहा है, वो दो श्लोक की चर्चा आपको संक्षेप में हम सुनाएंगे। समय तो हो ही गया लेकिन फिर भी एक क्विज जैसा समझ लो, है नहीं? आठ पहेली आप सुने होंगे शायद। नारद जी उनके पास पहुंचे, सबने प्रणाम किया, तद्विद्धि प्रणिपातेन, ये पहली योग्यता है प्रणाम, और इस तरह प्रणाम करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए नारद जी के सामने। नम्रता कुछ भी प्राप्त करने का बहुत बड़ा गुण है। अब मुझे मेरे नाना की बात याद आती है, नाना समझते हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन देहाती मूड था, लेकिन कहा करते थे कि बेटा यदि पैर के नीचे नीचे जमीन पर कुछ भी अच्छा चीज गिरा हो तो उठाने के लिए झुकोगे नहीं तब तक मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि खड़ा रहोगे और मिल जाएगा, झुकना पड़ेगा। तो भगवान को प्राप्त करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, हम लोग ज्ञान ईश्वर के धाम में है तो इसलिए ज्ञान प्राप्त करना है, तो प्रणिपात भगवान कहते हैं प्रणाम करना पड़े। प्रणाम किया नारद जी को, और प्रणाम करने के बाद नारद जी ने केवल दो श्लोक का प्रवचन किया। पहला प्रवचन था कि बेटा तुम लोग सृष्टि करने चले हो तो जहां सृष्टि करना है उस पृथ्वी का अंत ही यदि तुम्हें पता नहीं है तो सृष्टि क्या करोगे? स्वर्ग का अंत कहाँ है, किस तरह से आदि होता है, कहाँ अंत होता है, उसका स्वरूप क्या है, जब तक सृष्टि का स्वरूप नहीं समझोगे तो सृष्टि करोगे कैसे? तुम कह सकते हो पिता की आज्ञा है सृष्टि करना है तो सबसे पहले अपने पिता को तो पहचानो। जब तक तुम अपने पिता को नहीं पहचानते हो तब तक उनकी आज्ञा नहीं पहचान सकते। दो बात कहा, सुना आपने ध्यान से, दो बात क्या कहा? अपने पिता को पहचानो। तुम यही ना कहते हो कि सृष्टि करने के लिए पिता की आज्ञा है तो सृष्टि कैसे करोगे? और पिता कौन है, पिता कौन होता है, अपने पिता को पहचानो तब उनकी आज्ञा तुम्हें पहचान में आएगी। पिता श्लोकस्य चराचरस्य तमेव माता, आप ही पिता। संसार में ऐसा नहीं होता है कि वही माँ हो जाए, वही बाप हो जाए, वही भाई हो जाए। माँ है तो बाप नहीं होगा, बाप है तो भाई नहीं होगा, लेकिन भगवान के लिए हम लोग कहते हैं तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो, तुम ही भाई हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही मित्र हो, तुम ही धन हो, विद्या हो, तुम ही सब कुछ, और वास्तव में सब कुछ तमेव सर्वम हम देव देव। तो पिता को पहचानो, पिता कौन है? और बहुत समझदार लड़के थे, चूंकि तपस्या किए थे, तप करने से बुद्धि तीव्र होती है, भोग करने से बुद्धि कुंठित हो जाती है, 1,00,000 बार भी यदि किसी बात को समझाया जाए ना वो भीतर घुस नहीं पाती है, प्रवेश नहीं करती है। लेकिन जीवन में तप होता है तो हमारे यहाँ कहते हैं बुद्धिमान के लिए, इंसान के लिए इशारा काफी। देखिए नारद जी ने केवल इशारा किया, और पहला पहेली उन्होंने क्या कहा? तथैक पुरुषम राष्ट्रम, बेटा एक ऐसा राष्ट्र है
एक ऐसा जगत है, एक ऐसा स्थान है जहां पर केवल एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्री है। आपने कोई ऐसा देश सुना है जहां पर केवल एक पुरुष हो और बाकी सब स्त्री है? सुना आपने कभी? ये पहला पहली था। दूसरा, बिलम चादृष्ट निर्गमम, बोले बेटा एक ऐसा बिल है, एक ऐसा दरवाजा है जिसमें जाने का रास्ता तो है लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं। दूसरी पहली, ये कौन सा है? यद गत्वा न निवर्तन्ते न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद विलम अदृष्ट निर्गमम। वही अदृष्ट निर्गमम बिल है। बिल समझते, छेद। एक ऐसा दरवाजा है, एक ऐसा छेद है, एक ऐसा गुफा है जिसमें प्रवेश तो कर सकते हो लेकिन निर्गमम बाहर निकलना संभव नहीं है। तीसरा पहेली था बहुरूपा स्त्रियम, एक ऐसी स्त्री है जो बहुत बहुत रूप बनाती है, वो कौन है? एक स्त्री है, कितना रूप बना सकती है? बोले हजारों रूप बनाती है। और वो कौन है? बुद्धि। कभी साधु बन जाती है, कभी लोभी बन जाती है, कभी कामी बन जाती है, कभी झूठा बन जाती है, कभी दुष्ट बन जाती है, कभी पापिन बन जाती है, कभी महात्मा बन जाती है। बनता है ना, सबके पास में ये है। तो क्या क्या एक दिन में कितना रूप धारण करती है आप विचार कर सकते हैं। नारद जी कहते हैं बहु रूपा स्त्रियम, एक ऐसी स्त्री है जो बहुत बहुत रूप धारण करती है। ये बुद्धि है तो आत्मा के कारण, वास्तव में शरीर में तभी तक रहती है जब तक आत्मा है इसमें। आत्मा के कारण इसका अस्तित्व है, आत्मा का के कारण जीती है, जीवित है, आत्मा के कारण खा रही है, आत्मा के कारण इसका अस्तित्व है। लेकिन यह इतनी दुष्ट है कि उस आत्मा के विषय में कभी नहीं सोचती है और इस तरह से निर्णय देती है कि वह आत्मा दुर्गति में फंस जाता है। परंतु करें क्या, मैं प्रवचन करूं, नारद जी प्रवचन करें, प्रभुपाद जी प्रवचन करें, अंत में हम सब लोगों का अभ्यास है, उसी से पूछते हैं प्रभु जी ने क्या ठीक कहा। ये बात अच्छी लगी, ये बात अच्छी नहीं लगी, कौन कह रहा है? हम जिससे पूछते हैं, और जिससे पूछते हैं जिस बुद्धि से, उसको मानते क्या है? ये भी बात भागवत में लिखा है, कुछ भी छोड़ा नहीं। हम सोचते हैं चाहे भले जीवन में 100 बार वो असफल हो गई हो, फेल हो गई हो उसका निर्णय, कभी सफल नहीं हुआ बुद्धि, वह बुद्धि भी यही सोचता है भगवान ने यदि बुद्धि दिया है तो मुझे दिया है। और कैसे मानता है अपनी बुद्धि को? बोले संसार में सबसे बुद्धिमान एक सरस्वती है, और सरस्वती के बाद यदि कोई बुद्धिमान है तो कौन है? हाँ, वो मेरी बुद्धि है, सरस्वती से थोड़ी भी कम नहीं है, और पार्वती से थोड़ी भी सुंदर नहीं है, कम सुंदर नहीं है, और लक्ष्मी से कम धनी नहीं है। धन्य है मेरी बुद्धि, इतना सुंदर बुद्धि है, इतना धनी बुद्धि है, और इतना ज्ञान बुद्धि का खजाना। व्यक्ति अपने बुद्धि को लक्ष्मी जैसा धनी
पार्वती जैसा सुंदर और सरस्वती जैसा ज्ञानवान समझता है, और वह बुद्धि क्या करती है, भगवान की तरफ न ले जाकर के संसार में धक्के खिलाती रहती है, कभी स्वर्गे उठाए कभी नरके डुबाए, वह बुद्धि ही परेशान करती है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, बेटा तुम किसी दूसरे से परेशान नहीं हो, तुम्हारे परेशानी का मूल कारण क्या है, तुम्हारी बुद्धि है। इसलिए मयिम बुद्धि निवेश मन एव मन आधत्स्व, एक काम करो, मन परेशान कर रहा है तो मुझ में आधत्स्व, सम्यक रूप से उसको मुझ में रख दो, मन मनाव हो करो, और मयिम बुद्धि निवेश। नारद जी कहते हैं, आप देख लीजिए, आप एक्सरे यदि हो ना, बुद्धि का एक्सरे लेने का कोई मशीन हो, हैं, इस समय कार्डियोलॉजी क्या क्या सब चला है, तो आप देख लो सुबह से शाम तक कितना रूप धारण करती है, कितना निर्णय देती है, परंतु जिस आत्मा का खाती है उसके विषय में एक भी निर्णय नहीं देती है कि नहीं नहीं भजन भी करना है, और जिसका बिल्कुल नहीं खाती है वो संसार के लिए निरंतर सोचती रहती है। इसीलिए इस ऐसी बुद्धि को वेश्या कहा गया है। अगला पहेली क्या कहते हैं कि पुमांसम पुंसचली पतिम, एक ऐसा पुरुष है जो अपने को वेश्या का पति मानता है। बंधुओं, वेश्या की कोई पति नहीं होती है, परंतु एक ऐसा पुरुष है जो मानता है कि मैं इस वेश्या का पति हूँ। वो कितना बड़ा मूर्ख है, वो सोचता है बुद्धि मेरी है और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती है, वह बुद्धि ही सबसे बड़ी वेश्या है। बहुत सुंदर व्याख्या इसी में है, मैं संक्षेप में आपको बताऊं। नारद जी आगे कहते हैं, नब नदीम उभयतो वाहम, किससे कह रहे हैं, 10,000 पुत्रों से, दक्ष के 10,000 पुत्र हैं, उन पुत्रों से कहते हैं, बेटा एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है। देखा आपने ऐसा, आज इंद्रायणी में गए थे तो इधर से आ रही थी धारा, इधर जा रही थी, लेकिन नारद जी कहते हैं एक ऐसी नदी है, उभयतो वाहम, उभय का अर्थ होता है दोनों तरफ उसका बहाव है। और वो क्या है, बोले एक तरफ जन्म और दूसरे तरफ मृत्यु, जन्म भी हो रहा है ये भी बहना है, और दूसरे तरफ भगवान के काल शक्ति से करोड़ों लोग रोज गच्छन्ति जमालयम जा रहे हैं। कितना बड़ा सुंदर सिस्टम है, एक तरफ से इनकमिंग है, एक तरफ से आउटगोइंग। इसको कहते हैं एक नदी, ये संसार नदी की दो धारा दोनों तरफ बह रही है, जन्म और मृत्यु। नारद जी के कहने का अर्थ है कि जब तक तुम संसार के स्वरूप को नहीं समझोगे तो सृष्टि करके करोगे क्या, जिस संसार में सृष्टि करना चाहते हैं उसके स्वरूप को तो समझो। और आगे अगला पहेली है, बुझौवल है, पंच पंचाद्भुतम गृहम, एक ऐसा अद्भुत घर है जो 25 तत्वों से बना है, और वो कौन सा है, हमारा आपका शरीर 25 तत्वों में माटी मिट्टी से बना है, कहीं मिट्टी दिखाई पड़ता है, इसमें पानी से बना है वो भी नहीं दिखाई पड़ता है, पानी भीतर है, आग से बना है, हवा से बना है, वात आकाश से बना है, कहीं भी मिट्टी इसमें दिखाई नहीं पड़ता है, और एक ही मिट्टी को इतना सुंदर सजा दिया, थोड़ा सा पेंट उजला कर दिया तो मैं गोरी हो गई, मैं गोरा हो गया, थोड़ा सा सांवला कर दिया तो मान लेते हम सांवला हो गए, थोड़ा सा काला कर दिया तो काला हो गए, थोड़ा सा कम मिट्टी लंबा बनाया तो हम छोटे हो गए, लंबा बनाया तो बड़े हो गए हैं, और आत्मा इस तरह से फंस जाता है, ये अद्भुत गृह है। कितना फंसता है, बोले आत्मा ये मान लेता है कि मैं शरीर ही हूं, और 1,00,000 समझाने के बाद भी इससे ऊपर नहीं उठता है कि मैं शरीर नहीं हूं,
अद्भुत घर है। लाखों प्रवचन कोई सुनाए लेकिन व्यक्ति उठ जाए कि नहीं, वास्तव में ये मैं से आई एम नॉट दिस बॉडी, ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है, बाद में छूट जाएगा, मैं काला नहीं हूँ, गोरा नहीं हूँ, न जायते म्रियते वा कदाचिन इत्यादि, ये भावना से ऊपर नहीं होते। शारीरिक धारणा में एक जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर से बंधे हैं, इसलिए इसको अद्भुत घर का। अद्भुत क्या है? इसी पांच मिट्टी से, मान लो आपका आंख बना है ना, तो उसी में थोड़ा सा उजला बनाया और उजला के बीच में थोड़ा सा काला बनाया और उसके ऊपर उसी मिट्टी से बाल बना दिया, उसका स्वरूप अलग है। अब हम देखते रहते हैं शीशा में, वो कितना सुंदर आंख है, कितना सुंदर मुंह है, कितना है मिट्टी, परंतु इतना अद्भुत बनाया कि जीवात्मा उसी को मैं मान करके इतना फंसता है कि आत्मा का स्वरूप भूल जाता है। मुझे गोपाल कृष्ण महाराज की एक बात याद आती है, 18-20 साल पहले जीव में एक बार लेक्चर कर रहे थे, आज मैंने शायद किसी को बताया था, तो कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा इमारत थी, बिल्डिंग, नरीमन पॉइंट जैसा कुछ बिल्डिंग होगा, और उसमें स्लो लिफ्ट लगा था, सब लोग कंप्लेन करते थे फास्ट लिफ्ट चाहिए। तो उस कमिटी का जो मेंबर था उसने विचार किया कि फास्ट लिफ्ट लगाने में तो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चा लगेगा, तो एक व्यक्ति ने कहा कि सरकार फास्ट लिफ्ट में खर्चा बहुत है, एक काम कीजिए, एक बहुत बढ़िया मिरर शीशा उसमें लगा दीजिए, बटन दबाकर अपना चेहरा लोग देखते रहेंगे तब तक मंजिल आ जाएगी। इतना अद्भुत घर है, अद्भुत शरीर बनाया भगवान ने, माया ने इतना अद्भुत बनाया है कि व्यक्ति इतना फंस जाता है, इतना फंसता है कि निकाले नहीं निकलता है, बार बार देखता है। परंतु यही शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, विरूप करणी निर्णाम, तब चेहरा के सामने जाने से संकोच करता है, नहीं देखो तो अच्छा है, गाल दस गया, आंखें भीतर चली गई, दांत टूट गया, बाल उड़ गए, सब हो गया। अद्भुत घर है, इतना अद्भुत है कि परम ज्ञानी ज्ञानवान आत्मा भी उसमें फंस जाता है। और क्वचिद हंस चित्र कथम, विचित्र विचित्र कथा सुनाने वाला एक हंस है, जो इस जीवन में कैसे व्यक्ति बंधेगा और किस कर्म से मुक्त हो जाएगा, वह वेदवाणी हंस है और अनेक प्रकार की बात को सुनाता है जीव के लिए, ये काम करोगे तो फंस जाओगे, ये काम करोगे तो मुक्त हो जाओगे, लेकिन उस हंस के बात को माया मुग्ध जीवात्मा समझ नहीं पाता है। और छौर पव्यम स्वयं भ्रमिम, अंतिम पहेली पर कहते हैं, एक ऐसा चक्र है जो बिना चलाए चलता है, वो तो आप समझ गए होंगे कौन है, हाँ, काल चक्र है, सब पर चल रहा है, बच्चे को जवान, जवान को बूढ़ा, बूढ़े को ट्रांसफर कर रहा है, ये काल की कृपा है। तो इस तरह से एक ऐसा चक्र है जो बिना घुमाए, कोई देखता है किधर चल रहा है, कहां से चलाने वाला कौन है और चक्र किधर है, ये कुछ नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन लाखों लोग रोज मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, यहां तक कि मनुष्य की बात नहीं है, पेड़ पौधे भी आज जन्म रोप दिया आपने ना, वो भी बढ़ रहे हैं, ये काल की प्रेरणा है। एक कीड़े भी बढ़ते हैं, एक पशु भी बढ़ रहा है, एक मनुष्य भी बढ़ रहे हैं, पूरी सृष्टि एक साथ बढ़ रही है, ये काल की प्रेरणा है। आठ पहेली को नारद जी ने बुझाया और इस आठ पहेली को सुनकर के 10,000 के 10,000 जितने भी दक्ष के लड़के थे सब के सब डिवोटी बन गए। और जप करते हुए वहीं से बाप के घर में नहीं लौटे,
ब्रह्मचारी बन करके हरे कृष्णा 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 हरे राम। बंधु हम लोग ज्ञानेश्वर जी के घर में हैं, हाँ, इसलिए ये नारद जी का 8 ज्ञान केवल 2 मिनट लगा होगा 2 श्लोक बोलने में, 2 मिनट में 10,000 डिवोटी भक्त बनाया। नारद जी जैसा प्रीचर चाहिए, लेकिन हरियस्व जैसा समझदार व्यक्ति भी चाहिए सामने श्रोता। दक्ष को बड़ी गुस्सा आई, बहुत निराश हो गया। एक बेटा जब भक्त बनता है तो आदमी का क्या कलेजा है? कहने लगता है, कितना भला बुरा भक्तों को कहते हैं। 10,000 पुत्र जब बन गए भक्त, तब उसको बड़ा दुख लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, ये नारद का अपना काम है भक्त बनाना, तुम अपना काम करो। तब बंधुओं 1,000 पुत्र और पैदा किया। कितना? और नारद जी फिर वहीं उसी सरोवर पर भेजा तप करने के लिए कि जाओ बेटा, तप तो करना पड़ेगा। और वहीं उस सरोवर पर गए नारद जी, फिर समय पा करके चले गए और एक भी ज्ञान की बात नहीं कही। इतना ही कहा कि बेटा, छोटे भाई का कर्तव्य है कि वो बड़े भाई के मार्ग का अनुसरण करे। छोटे भाई का क्या काम है कि बड़ा भाई जो किया है उसको करे। इतना कह करके नारद जी चले, वो 1,000 भी हरि गुण गाते हुए निकल गए। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब तो ये बिल्कुल गुस्सा में आ गया, श्राप दे दिया नारद जी को, बोलाया अब पुत्र पैदा नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, पुत्र पैदा करते हो तो भक्त बना देता है, सन्यासी बनाता है, ब्रह्मचारी बनाता है, अब एक काम करो, इस बार पुत्री पैदा करो। कम से कम लड़कियों को तो सन्यासी नहीं बनाएगा। तब बंधुओं 60 पुत्री पैदा किया और उसी दक्ष के 60 पुत्रियों से आज जितनी भी सृष्टि है सब भरी हुई है। कथा यहीं विराम करता हूं, सब लोग धीरे धीरे प्रस्थान करें और प्रसाद की तरफ जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुन लीजिए भाई, थोड़ा थोड़ा 2 मिनट सुनिए।